अकोला वाशिम बुल्ढाना विधान परिषद चुनाव की मतदान प्रक्रिया के दौरान विधायक और उम्मीदवार गोपी किशन बाजोरिया और पूर्व महापौर विजय अग्रवाल के बीच शाब्दिक वाद विवाद हो गया, जिसके कारण यहां कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। शुक्रवार 10 दिसंबर को अकोला वाशिम बुल्ढाना विधान परिषद मतदाता संघ के चुनाव की मतदान प्रक्रिया ली गई। अकोला के बीआर हाईस्कूल में यह मतदान प्रक्रिया ली गई। इस दौरान इस चुनाव के उम्मीदवार विधायक गोपी किशन बाजोरिया और भाजपा के पूर्व महापौर विजय अग्रवाल के बीच मतदान केंद्र के बाहर खड़े रहने को लेकर वाद विवाद की स्थिति निर्माण हो गई। आम तौर पर कोई भी चुनाव भयमुक्त कराने की प्रयास किए जाते हैं, परंतु विधान परिषद के चुनाव में भय का वातावरण दिखाई दिया। विधायक और पूर्व महापौर के बीच वाद विवाद की स्थिति के कारण यहाँ तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। इस घटना की जानकारी पाते ही अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत अपने दल बल के साथ यहां पहुंची थी। इन दोनों के बीच खासा शाब्दिक वाद विवाद हो गया था। गौरतलब है कि अकोला वाशिम बुल्ढाना विधान परिषद के इस चुनाव में शिवसेना के गोपी किशन बाजोरिया और भाजपा के वसंत बाबू खंडेलवाल मैदान में है। दोनों के लिए यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। 14 दिसंबर को वोट किस ओर करवट लेता है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। दादागिरी बाहर देखे जाते।